हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रोंटी। आपको स्वागत है रोंटी किचन में। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बहुत ही सॉफ्ट कारमेल ब्रेड पुडिंग रेसिपी। इसको आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल सिंपल सी इंग्रेडिएंट के साथ आप बना सकते हैं। ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए क्या क्या 5 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हम देख लेते हैं। 4 पीसेस आटे की ब्रेड में ली हूँ, मिल्क पाउडर 4 टेबलस्पून यानी कि 1/2 कप, शुगर 1/2 कप, 1 ग्लास मिल्क कॉन्डेंस मिल्क। 4 साइज आटे की ब्रेड में ली हूँ। मैं ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर रही हूँ। बेसिकली ब्रेड को मिक्सर में ग्राइंड करना है फाइन पाउडर में। ये अच्छे से स्मॉल साइज टुकड़े हो गया है। मैं ले रही हूँ मिक्सर जार, सारे ब्रेड को जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब इसे पीस लेना है जैसे कि फाइन पाउडर रेडी करना है। ब्रेड का पाउडर रेडी हो गया है, अच्छे से पीस लिए हैं। ब्रेड में लम्प्स नहीं होगा, ध्यान रखें आप। लो फ्लेम में पैन को गर्म करके 1/2 कप शुगर में डाल रही हूँ। इसमें मैं ग्रेटर किया गया शुगर यूज की हूँ क्योंकि ये बड़ा दाना वाला था। ग्रेटर करने से शुगर तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। हमें इस शुगर को बिना पानी में मेल्ट करना है यानी कि कारमेल करना है। ये देखिए चीनी धीरे धीरे मेल्ट हो गया है, थोड़ी देर बाद इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसी कलर के साथ कुक करना है। ये बिल्कुल रेडी हो गया है कारमेल। अभी आपको तुरंत डाल देना है एक पुडिंग पैन में, नहीं तो ये मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट होने में बहुत ही दिक्कत होगा, इसीलिए आप तुरंत पैन में डाल देंगे तो बेटर होगा। एक बर्तन में ले रही हूँ, उसमें 1.5 कप पानी डाल दूँगी बॉयल होने तक लो फ्लेम में। देन 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर में डालूँगी, उसे अच्छी तरह गर्म वाटर में मेल्ट होने दे। उसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी, लम्प्स नहीं आने दे। रेडी हो गया है मिल्क पाउडर का मिल्क। अब हम लिए हैं कढ़ाई, उसमें डाल देंगे 1 कप से ज़्यादा थोड़ा मिल्क। नॉर्मली मिल्क बॉयल हो चुका है, उसे अच्छी तरह घोलते रहिए। अभी हम डाल देते हैं पहले से तैयार किया मिल्क पाउडर का बैटर। देन उसे अच्छी तरह घोलते रहिए और इस स्टेज में फ्लेम को लो कर दे। देन लो फ्लेम में धीरे धीरे करके ब्रेड की जो हमने पाउडर रेडी की थी वो ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे, सारा ब्रेड का पाउडर एक साथ ना डालें, ऐसे करने से ब्रेड में लम्प्स आ सकता है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ऐसे मिक्स करें। अब हम सारा पाउडर इसके अंदर डाल दूँगी और उसे अच्छे से स्मूथ बैटर बना के तैयार करूँगी। बैटर हमारा रेडी है, हम इसे हल्का सा चला लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देन थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल के पिला लेते हैं, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, मुझे इतना ठीक ठाक चाहिए था। देन लास्ट में थोड़ा सा शुगर दे के मिला रही हूँ। अब हमारा बैटर रेडी हो गया है। बैटर को जब हम कारमल करके रखे थे एक बर्तन में, उसके ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे, इसे ठीक से हिला देंगे। अब हम करेंगे स्टीम। हम लिए हैं बड़ी कढ़ाई, इसमें ऊपर डाल देंगे 2 ग्लास वाटर। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा उसके ऊपर रख देंगे एक स्टैंड। हम अभी ब्रेड का पुडिंग बनाने के लिए रख देंगे। देन 1 घंटा 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम करके उसके ऊपर कवर डाल के स्टीम होने देंगे। ध्यान रखें कि बीच में वाटर ख़त्म हो जाए तो और पानी डाल दे। 1 घंटा 5 मिनट के बाद हमने स्टीमर से बाहर निकाल दिया है, अब हमें ठंडा होने दे रूम टेम्परेचर में। फिर हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेते हैं। उसके बाद मैं जिस तरह छुरी के सहायता से कट कर इस तरह कीजिए। अब हम एक प्लेट के ऊपर इस तरह उसके ऊपर पलट करके प्लेट में धीरे धीरे निकाल रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस सा कारमेल ब्रेड पुडिंग बनकर रेडी है और मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है।
और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी ये ब्रेड पुडिंग बनाएं और थोड़ा सा टिप्स का ध्यान रखें। बैटर को थिन रखना है तो 1 आवर लगेगा और बैटर ग्रेवी है तो कम से कम 30 या 35 मिनट लग जाएगा। मेरे घर में जो जो सामग्री अवेलेबल था मैं उसी से ही बनाई हूँ। जो भी मैं इंग्रेडिएंट बताई हूँ उससे आप फॉलो करें, बिल्कुल ऐसी ही परफेक्ट ब्रेड पुडिंग आप घर पे बनाएं। तो आपको हमारे रेसिपी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।